गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा. बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल. आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे किसका, हॉर्नबिल का. हॉर्नबिल जो आपकी प्रोज बुक है हॉर्नबिल, उसका थर्ड चैप्टर है. नेम ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टर्ट, द सागा कंटिन्यूज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल. सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करेगा कि इस टाइटल का मीनिंग क्या है. डिस्कवरिंग टर्ट, हु इज़ टर्ट. टर्ट इज़ द नेम ऑफ अ किंग एंड किंग ऑफ ए इजिप्ट. ये एक इजिप्ट के राजा का नाम है. कहाँ के? इजिप्ट के. ओके. और टट, द कम्प्लीट नेम इज़ तूतेन खामेन. जो कम्प्लीट नेम क्या है? तूतेन खामेन, खामेन. ओके. एंड सागा कंटिन्यूज मीन्स, सागा मीन्स अ स्टोरी, अ टेल रिलेटेड टू हीरोइक अचीवमेंट ऑफ समवन. ऐसी टेल, ऐसी स्टोरी जो किसी की हीरोइक अचीवमेंट से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू द हीरोइक अचीवमेंट ऑफ समवन, उसे बोलते हैं सागा. तो सागा कंटिन्यूज मतलब वी नाउ आल्सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द हीरोइक अचीवमेंट ऑफ तूतेन खामेन. दैट इज़ कंटिन्यू. वो अब भी क्या है? कंटिन्यू है. दैट विल नॉट बी स्टॉप. वो आगे फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जो है वो बंद हो जाएगी. Why? Because his death was a mystery and now is also a mystery. ठीक है, वो पास्ट में भी एक मिस्ट्री थी, आप थोड़ा सा उसकी मिस्ट्री को कह सकते हैं रिवील हुई, बट नाउ आल्सो इट्स नॉट क्लियर हाउ ही डाइड. अब तक भी ये क्लियर नहीं है कि उसकी डेथ कैसे हुई. ठीक है, सो दिस मिस्ट्री इज हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर. यही मिस्ट्री इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है. डिस्कवरिंग टर्ट, द सागा कंटिन्यू. दिस इज नॉट अ फेबल. ये फेबल नहीं है बेटा, एक ये कोई आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड स्टोरी नहीं है. दिस इज़ द रियलिटी. दिस इज़ द रियलिटी. आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तूतेन खामेन, देन यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग तूतेन खामेन एंड हिज मम्मी ऑल्सो. यू नो पिरामिड. ठीक है, मम्मीफाइड, देर वॉज अ प्रोसेसर ऑफ मम्मीफाइड द कॉप्स. कॉप्स को जो है वो मम्मीफाइड करने का प्रोसेसर था. ओके, सो द पर्टिकुलर थिंग इज हाईलाइटेड. हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड. आगे हम इंट्रोडक्शन में करेंगे. आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? आज हम टाइटल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड सीन के बारे में बात करेंगे कि बैकग्राउंड सीन क्या है चैप्टर का, टाइटल और थीम मैसेज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, काफ़ी बड़ी वाली नहीं बनने वाली, आपकी छोटी सी वीडियो बनने वाली है. देखिए, पहले देखिए थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ आपको. द स्टोरी गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट. अकाउंट होता है बेटा डिस्क्रिप्शन. ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रेट डिस्कवरी. बहुत बड़ी जो डिस्कवरी हुई उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है. इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट मैन इज ऑलवेज क्यूरियस टू सोल्व मिस्ट्रीज. हालांकि ये इस चीज़ को रिवील यहाँ पे करती है, डिस्क्लोज करती हैं कि भी आदमी हमेशा पास्ट की मिस्ट्रीज को सोल्व करने में लगा रहता है. द डिस्कवरी ऑफ टट्स टॉम इन 1922, 1922 में जो टट की टॉम की डिस्कवरी हुई, ठीक है, लेड टू मैनी अदर आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज एंड रिसर्च. उसने दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं ना, हु स्टडी पास्ट, आर्कोलॉजिकल, वैसे तो आर्कोलॉजिकल है यहाँ पे, स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, जहाँ पास्ट की स्टडी की जाए, जिसमें और जो पास्ट की स्टडी करे उसे आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोल गए. द पर्सन हु डू द स्टडी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करे वो आर्कियोलॉजिस्ट. चलिए, तो जो बाद में बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और रिसर्चेज हुई, उसमें इस डिस्कवरी ने, जो टट है उसकी डिस्कवरी ने बहुत हेल्प की. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आप. अब बात, पहले बात करेंगे बेटा बैकग्राउंड सीन की, कि भी इसका बैकग्राउंड सीन क्या है. देखिए, बैकग्राउंड सीन है, टट बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट इन अबाउट 1334 BC एट द टेंडर एज. टेंडर मीन्स स्मॉल एज. टेंडर मीन्स क्या है बेटा? स्मॉल. 9 साल की छोटी सी एज में और 1334 BC में वो राजा बन गए. आर यू गेटिंग? 1334 BC, यू नो बिफोर क्राइस्ट. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्राइस्ट के से पहले का जो टाइम था, जीसस क्राइस्ट से पहले का, दैट इज़ कंसिडर्ड BC. चलिए, तो उनकी तूतेन खामेन जो इजिप्ट का राजा था, राजा कब बना? 1334 में, और बहुत छोटी सी एज में, 9 साल का ही था. एंड रूल्ड टिल 1325, और कब तक राज किया? 1325 तक. तो मतलब 34 में राजा बना, 25 में जो है उनकी डेथ हो गई. ठीक है, टिल हिज डेथ
लास्ट तक डेथ तक उन्होंने किया है, तो 11 साल राज किया। कब कितने साल के बने थे? 9 साल के। सो नियर अबाउट एट द एज ऑफ 18 और 19, ये कितने हुए आपके 18। तो 18 नियर अबाउट एट द एज ऑफ 18 और 19, 18 और 19 की एज में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। हिज रेन लास्टेड फॉर अबाउट 8 ईयर्स, हालांकि उनका राज जो है वो 8 साल तक रहा। अभी हमने बात की ना 8 और 9, देर इज़ नो अश्योरिटी, ठीक है, नियर अबाउट 8 और 9 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस रेन द स्टेट फ्लरिश्ड एंड देर वॉज ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी। ही वॉज अ वेरी गुड किंग, वॉज इन द फेवर ऑफ ए कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, एंड ही स्टेट फ्लरिश्ड अ लॉट, फ्लरिश्ड फलना फूलना बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप हुआ। फ्लरिश्ड यहाँ पे यू कैन रिप्लेस इट बाय डेवलप्ड, द स्टेट डेवलप्ड अ लॉट एंड देर वॉज ऑल अराउंड अ प्रॉस्पेरिटी, अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा अमीरी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। बट वो सरप्राइजिंग वॉज दैट टट रिवर्टेड टू द प्रैक्टिस ऑफ द ओल्ड रिलीजन। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था उनके रिन के दौरान उनके किंगडम में, कि जो ओल्ड रिलीजन था उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्टेड कर दिया। रिवर्टेड वी कैन से चेंज, वैसे तो होता है रिटर्न, ठीक है, चेंज आपका पुराने वाले में चेंज करना, जो पहले कभी चला आ रहा था पास्ट में था उसके पास वापस चला जाना, वो रिवर्टेड रिटर्न। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पुराना धर्म था ना वो उसमें बिलीव करते थे और उसी को उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। दो हिज फैमिली, ठीक है, उन्होंने उस, हालांकि उनकी फैमिली जो थी दैट वॉज डिवोटेड टू द एटन, एटन के डिवोशन में थी। एटन इज़ द नेम ऑफ गोड, द सन डिस्क, सन गोड का नाम है। ही शोड हिज रिस्पेक्ट टू द ओल्ड गोड अमन, लेकिन उनके लिए मन में रिस्पेक्ट किसके लिए थी, नॉट फॉर एटन, फॉर अमन। एंड इवन चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतेन खातेन टू तूतेन खामेन, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी तूतेन खातेन, देखो लास्ट में एटन है तो एटन के फेवर में नहीं है, किसके फेवर में है, अमन, तो अपना नाम एटन से क्या करा लिया, अमन, आगे वाला सेम है तूतेन, ठीक है, तूतेन खातेन टू तूतेन खामेन, टू शो हिज डिवोशन टू अमन। तूतेन खामेन डाइड ऑल ऑफ अ सडन एट द एज ऑफ 18 और 19, 18-19 की एज में उनकी डेथ हो गई। हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री, उनकी डेथ आज भी क्या बनी हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है। हिज कॉर्प्स मिस्ट्री, हाउ ही डाइड नोबडी नोज, इवन समथिंग इज मिस्टीरियस रिगार्डिंग हिज डेथ, सम सेज दैट ही वॉज डाइड ऑफ एनी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, सम सेज दैट ही वॉज डाइड ऑफ डाइड टू एनी इंजरी, एंड सम सेज दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, एंड देर आर वेरियस डिस्क्रिप्शन, वेरियस व्यूज, वेरियस आइडियाज, वेरियस थिंग्स रिगार्डिंग हिज डेथ, उनकी डेथ के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग थाट हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं, बट नथिंग इज हेयर, वी कैन से दैट इट्स अ ट्रू, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये सच है, नो प्रूफ इज देयर, कोई प्रूफ नहीं है। उनकी डेथ आज भी क्या बनी हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है। हिज कॉर्प्स वॉज मम्मीफाइड, उनकी कॉर्प्स को मम्मीफाइड किया गया। मम्मीफाइड इज़ अ प्रोसीजर टू मेक इट मम्मी, देखो मम्मी का मतलब वो मम्मी नहीं है बेटा जो मदर के लिए यूज होता है, नहीं, ये एक प्रोसीजर था डेड बॉडी को प्रजर्व रखने का। हाउ यू कैन मेक द डेड बॉडी प्रजर्व, उसे ऐसे के ऐसे जैसी है ना, ऐसे के ऐसे कैसे रख सकते हैं, वो मम्मीफाइड प्रोसेस थी, ठीक है। कॉफिन के अंदर कुछ केमिकल वगैरह डाला जाता था, रेजिन डाला जाता था और उससे जो है बॉडी को मम्मीफाइड किया जाता था। अच्छा, उनकी बॉडी को भी मम्मीफाइड किया गया कस्टम के अकॉर्डिंग, बिकॉज देर वॉज अ कस्टम, एंड इट वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर हुम, ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, हु डिस्कवर्ड इन 1922 तूतेन खामेन टॉम्स कंटेनिंग हिज मम्मीफाइड बॉडी। उन्होंने तूतेन खामेन की टॉम्ब को, कब्र को डिस्कवर किया, और वो ग्रेव, टॉम्ब मीन्स होता है ग्रेव, कब्र, उन्होंने उस ग्रेव को जो है वो डिस्कवर किया, एंड दैट कंटेन्स हिज मम्मीफाइड बॉडी। आर्टिफैक्ट, नॉट ओनली बॉडी, इट आल्सो कंटेन्स आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट्स बेटा ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, ज्वेलरी, ज्वेलरी इन गोल्ड। एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल मीन्स थिंग्स, थिंग्स ऑफ डेली यूज, चीज़ें जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो, एंड क्लोज और कपड़े भी। एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्प्ले एट द कैरो म्यूजियम, द थिंग्स विच वर
कलेक्टेड फ्रॉम हिज टॉम दोज वर डिस्प्लेड एट द कैरो म्यूजियम. उन्हें कहाँ डिस्प्ले कर दिया गया? कैरो म्यूजियम में. अब भी डिस्प्लेड है वो वहाँ पे. गॉट इट? तो ये बैकग्राउंड सीन है कि भी ये सब कुछ हुआ कार्टर के बाद. कार्टर ओनली डिस्कवर्ड 1922, बट दिस चैप्टर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ 2005 व्हेन हिज बॉडी वॉज सिटी स्कैंड. When his body was a CT scan. तो ये background है कि किसको mummified कर रहे हैं 2005 में. 2005 में उसको mummified कर रहे हैं जो 1922 में discover हुआ था. And who was discovered in 1922? Tutankhamen's tomb. And who discovered? Howard Carter discovered. Okay, who is Tutankhamen? Tutankhamen was the king of Egypt. King of Egypt. And what was special in Tutankhamen? He was died in young age and he was the last pharaoh. लास्ट फैरो अभी आएगा. अभी स्पेशल ये था बेटा, ही वॉज द लास्ट फैरो. फैरो मीन्स होता है किंग, ठीक है. लास्ट किंग, लास्ट फैरो ऑफ हिज किंगडम. अपने किंगडम का सबसे आखिरी राजा था. उनके साथ वो किंगडम क्या हो गया? ख़त्म हो गया था उनके डेथ के साथ ही. दैट्स वाई ही वॉज अ सो स्पेशल. इसलिए वो ज़्यादा स्पेशल थे. गॉट इट? तो अबाउट द लेसन, तो बेटा जब चैप्टर रीड करेंगे देन यू विल एबल टू वट इज़ गिवन इन द चैप्टर. नाउ दिस इज ओनली बैकग्राउंड सीन इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे आपके लिए बैकग्राउंड सीन इम्पोर्टेंट है. नाउ गो मोर टू आर द थीम, टाइटल एंड देन थीम एंड मैसेज. अब बात करते हैं टाइटल की और थीम और मैसेज की. पहले टाइटल की बात करते हैं, ठीक है. देखो द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. यू नो दिस इज़ क्वाइट एप्ट. राइटर कहता है कि ये बिल्कुल एप्ट है, करेक्ट है. एप्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट, उचित है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अबाउट द डिस्कवरी अबाउट द यंग किंग. क्योंकि ये जो चैप्टर हैं, दिस चैप्टर इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ यंग किंग टट. टट के बारे में चैप्टर है तो टट ही नाम दिया जाएगा. एंड हु इज टट? टट दैट वंस रूल्ड इजिप्ट फॉर 9 ईयर्स. टट वो है जिसने इजिप्ट पे राज किया था लगभग 9 साल तक. एंड देन डाइड सडनली, और अचानक से उनकी डेथ हो गई. हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. उनकी टॉम्ब डिस्कवर हुई 1922 में. एंड द पीपल वर क्यूरियस टू नो वट द नो द कोज ऑफ हिज डेथ. वो उनके डेथ का रीजन जानना चाहते थे लोग. इट वॉज ओनली इन 2005 दैट द मम्मी ऑफ टट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द टॉम्ब फॉर अ सी टी स्कैनिंग विच रिवील्ड द कोज ऑफ टट्स डेथ. ये 2005 में हुआ कि जो टट की मम्मी थी उसे टॉम से बाहर निकाला गया सिटी स्कैनिंग के लिए. और फिर उसने बाद में टट की डेथ का क्या किया? विच को रिवील्ड द कोज ऑफ टट डेथ. टट की डेथ को का रीजन जो है वो रिवील किया. कॉज का मतलब होता है कारण, कि वहाँ कारण पता चला. आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज अबाउट दिस. इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो 2005, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग 1922, बट द मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 2005 व्हाट हैपन्ड इन दैट ईयर. ठीक है, 2005 में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैनिंग व्हाट हैपन्ड. जब 2005 में जो स्कैनिंग हुई उस दौरान क्या कुछ हुआ. तो इट्स क्लियर टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज देर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग किंग ऑफ इजिप्ट एंड दैट किंग इज अ टट. नाउ थीम एंड मैसेज. द लास्ट पॉइंट इज थीम एंड मैसेज. अब बात करते हैं बेटा थीम और मैसेज के बारे में. देखिए डिस्कवरिंग टट सागा कंटिन्यूज अंडरलाइन द फैक्ट दैट साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ बर्ड मिस्ट्रीज. ये हमारे सामने ये थीम रखता है कि जो साइंटिफिक इंटरवेंशन है, साइंटिफिक इंटरवेंशन इंटरवेंशन का मतलब है इंटरसीड, मध्यस्थता करना, बीच में मतलब घुसना, उसको घुसाना बीच में. तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन साइंस का बीच में इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं. इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट, जो साइंस की इन्वॉल्वमेंट थी वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मिस्ट्री को जो है बरिड मिस्ट्री को अनअर्थ करने के लिए. अनअर्थ का मीनिंग होता है डिस्क्लोज करना, ठीक है. कि मतलब क्यों है? बिकॉज साइंस इज रिलायबल ना. साइंटिफिक फैक्ट्स आर रिलायबल. हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो साइंस बता रही है वो बताएगी. साइंस ने जो बताया उस पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है. वो सच बताती है, विश्वसनीय होते उसके डाटा, रिलायबल होती हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी कैन गिव अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट. दूसरी ये भी बात है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमेशा हमें पास्ट इवेंट्स के रिगार्डिंग कैसे एविडेंस देती है? कंक्लूसिव, ठीक है, बिल्कुल कंक्लूजन, कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता उनका, फुल ऑफ ए रिजल्ट.
रिजल्ट से भरे हुए हमें इवेंट्स देती हैं। द सीक्रेट अबाउट किंग टट वुड नॉट हैव बीन रिवील्ड। अब वो कहते हैं कि जो किंग टट से रिलेटेड सीक्रेट था वो रिवील नहीं हुआ होता इफ देयर हैड बीन नो सिटी स्कैन ऑफ हिज मम्मी ईयर आफ्टर हिज एक्चुअल डेथ। उसकी डेथ के बाद अगर सिटी स्कैनिंग नहीं होती तो आज तक भी जो फैक्ट हमें उनकी लाइफ के बारे में पता है मे बी वी डोंट नो, शायद हमें नहीं पता होती है ना। तो व्हाट हेल्प अस टू नो रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ किंग टट, दैट इज साइंस। साइंस हेल्प अस, हमारी हेल्प किसने की, साइंस ने की। नाउ द चैप्टर आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट दिस इज रिलेटेड टू साइंस। एक आपका थीम निकला किससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। दूसरा निकलेगा पास्ट से रिलेटेड है ना। द चैप्टर आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रेडिशन रिचुअल्स फनरारी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। वी मस्ट नॉट बी सो प्रैक्टिकल एंड वी मस्ट नॉट इग्नोर द ट्रेडिशंस और रिचुअल्स एंड फनरारी प्रैक्टिसेस। जो फनरल के टाइम पे जो परंपराएं निभाई जाती हैं हमें उन सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन पास्ट आल्सो पीपल थिंक दैट इट्स ट्रू, पास्ट में भी लोगों को लगता था कि ये सारी होने चाहिए, ये सच हैं, और आज भी तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू सप्लीमेंट। दूसरी ये चीज़ भी है कि अगर हमें पास्ट के बारे में अपनी नॉलेज है तो ये सप्लीमेंट का काम करेगी, एनर्जी का काम करेगी, एक ग्रोथ का काम करेगी। किसके लिए, द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड वी लिव एंड लिव इन। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना उस वर्ल्ड में जो है वो का नॉलेज देने के लिए हमारी हेल्प करेगी। देन द ओल्ड वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन चार्म। जो पुराना वर्ल्ड है उसके भी अपने चार्म है। वी मस्ट नो इट, हमें पता होना चाहिए कि हमसे पहले लाइफ कैसी थी, हमसे पहले लाइफ कैसी थी हमें पता होना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग, पास्ट इज सो इंटरेस्टिंग एंड बिसाइड दैट साइंस कैन हेल्प अस टू नो दैट नो दोज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने में साइंस हमारी बहुत हेल्प करती है। इन द सेम मैनर इट हेल्प्ड टू गेट टू नो रिगार्डिंग द मिस्ट्री ऑफ ए डेथ एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ हुज मिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड हुज डेथ द डेथ ऑफ किंग टट। किंग टट की डेथ के रिगार्डिंग हमें रियलिटीज पता चली। गॉट इट। चलिए बस बेटा इस तरह से हमारी हो गया इंट्रोडक्शन। कल से हिट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप यू गोट ऑल दिस थिंग्स।